कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ही एक और बीमारी सामने आई है, जिसे कहा जा रहा है म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस। इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस क्या है और राजस्थान और तेलंगाना ने इसे महामारी किस कानून के तहत घोषित किया है। सबसे पहला सवाल, क्या है म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस एक फंगल संक्रमण है जो कोरोना वायरस से भी उत्पन्न होता नजर आ रहा है। ब्लैक फंगस लंबे समय से ट्रांसप्लांट्स, आईसीयूज और इम्यूनोडिफिशियंट पेशेंट्स में बीमारी और मृत्यु का कारण रहा है। अब बात करते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस का कारण क्या है। म्यूकरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। मेडिकल रिसर्च की माने तो लोगों को वातावरण में फंगल स्पोर्स के संपर्क में आने से म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। यदि किसी की बॉडी पर कटा हो, खरोच हो, जला हो या किसी अन्य प्रकार के त्वचा से संबंधित समस्या हो तो ये फंगस त्वचा में प्रवेश करने के बाद त्वचा पर भी विकसित हो सकता है। कई राज्यों से ये खबरें भी आई हैं कि ये रोग कोविड-19 से संक्रमित लोगों में भी देखने को मिला है, खासकर उनमें जो ठीक हो रहे हैं और जो ठीक हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जो कोई भी मधुमेह रोगी यानी डायबिटिक है और इम्यून सिस्टम जिसका ठीक से काम नहीं कर रहा है, उन्हें इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक एडवाइजरी कुछ दिन पहले जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि कोविड-19 रोगियों में किन स्थितियों में म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें शामिल है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ऑफ इम्यून सिस्टम ड्यू टू यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, प्रोलॉन्ग्ड ICU हॉस्पिटल स्टे, कोमॉर्बिडिटीज, पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर और वॉरिकॉन्जोल थेरेपी यूज टू ट्रीट सीरियस फंगल इन्फेक्शन। अब हम समझते हैं कि तेलंगाना और राजस्थान ने इस बीमारी को किस कानून के तहत महामारी यानी एपिडेमिक घोषित किया है। राजस्थान की बात करें तो ब्लैक फंगस को 19 मई 2021 को एपिडेमिक यानी महामारी घोषित किया गया है। राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अखिल अरोड़ा द्वारा जारी अधिसूचना में ये कहा गया है कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत राज्य में म्यूकरमाइकोसिस को एक महामारी और एक उल्लेखनीय बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। वहीं राजस्थान के बाद तेलंगाना की सरकार की बात करें तो तेलंगाना सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत म्यूकरमाइकोसिस या फिर कहें ब्लैक फंगस को एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया है। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।